बिजनौर खबर टीम में आपका स्वागत है। बिजनौर के ग्राम रावली बाढ़ आने के बाद भी मौत के मुंह में रहने पर मजबूर हैं। ग्रामीण ग्रामीणों का कहना है, प्रशासन द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की गई। ग्राम के पास जिला पंचायत सदस्य मनदीप सिंह ने 2 दिन खाना दिया है, इसके अलावा कोई मदद हमारी नहीं की गई है। डीएम बिजनौर द्वारा ग्राम पंचायत की जमीन में रहने के लिए कहा गया था, लेकिन गाँव के दबंगों द्वारा वहाँ भी उन्हें रहने नहीं दिया जा रहा है। प्रशासन से लगाई गुहार, कहा हमें रहने के लिए जमीन दी जाए। सहना सहना जी कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के रहने वाले बिरमपुरी रावली के, जो ये गंगा के किनारे बसा हुआ। गंगा के किनारे पे कितने सालों से आप रह रहे हैं? बहुत दिनों से हो गए हमें, कोई करीबन करीबन हो गए 7-8 साल हो गए। बताया जा रहा है यहाँ इस गांव में भी ऊपर से उत्तराखंड से पानी आया था और इस गांव में भी भर गया था पानी। आप लोग नहीं गए सरकार की तरफ से? आप लोगों नहीं आदेश दिया गया खाली करने के लिए? हमें खाली किसी ने किया ही नहीं है कि भाई खाली करो या कोई हम मदद करेंगे। तुम्हारी मदद भी नहीं हमारी किसी ने की, हम पानी में ही पड़े रहे यहाँ। आप लोगों को क्या लगता है सरकार की तरफ से कुछ मदद? बस सरकार की बस यो है, धन्यवाद है कि अगर मदद कर दे कोई सरकार। घर चाहिए हमें, कहीं जमीन दे दे कहीं बनाने के लिए, सूखे में पड़ जाएंगे हम अपने बच्चों को लेके। तो आप यहाँ पे जो है कोई ना तो कोई जेंट्स दिखाई दे रहा? जेंट्स वो मजदूरी पे गए हुए, मजदूरी करने गए अपना 300 रुपए की मिनट मजदूरी करने गए हुए। ये बच्चों का पेट पालना, मजदूर आदमी हम। सहरा बानो। सहरा जी सहरा बानो, आप कहाँ के रहने वाले? जी यहाँ के रहने वाले थे हम तो। कौन सा गाँव? यो ही है रावली बिरमपुरी। ये गंगा के किनारे बसा हुआ है? ये गंगा के किनारे बसा हुआ है जी, हम परेशान। अभी 2 दिन पहले ये बाढ़ जो आई, बाढ़ आई है, ये डंगर उंगर बंधे हुए थे हमारे। हम जी परेशान है, कुछ बेगा कुछ आदमी ढूंढने के लिए निकले हुए सामान, वो हमारा सारा परेशान सब बे गया, हम परेशान है। क्या सरकार की ओर से कोई मदद आपको मिली है? सरकार की वजह से अभी कोई मदद नहीं आए तो थे बेचारे, सरकार वाले भी अब करेंगे भाई जो उनसे होगी। इतनी मदद मिली कि भाई उन्होंने जमीन रखवाई, जमीन वहाँ डेरा रखवा दिया हमारा। तो आप यहाँ फिर यहाँ क्यों रह रहे हो जब आप वहाँ डेरा रखा है? यहाँ ऐसे रह रहा हूँ, वहाँ आगे तार वूर लगा दी, दूसरे चिपट गए हमें सरकार, वो खुद ही डीएम साहब कह गया था भाई यहाँ रख लो तुम। कौन आपको कौन चिपटा है, किसने आपको मना किया? ये गांव वाले ही कर रहे हैं जी, वो चंद्रपाल है उसका नाम, धीमरो में से वो चिपट रहा है हमें, उसकी लुगाई है। अब आप क्या चाहते हो? अब हम तो यही चाहते हैं भाई, अगर हमें कहीं रहने को जमीन मिले। क्या नाम है आपको? लड्डन मियां नाम है जी। लड्डन जी कहाँ के रहने वाले हो? हम जी यहाँ मतलब रावली गांव के रहने वाले जी, पहले रहते थे इंछा वाले, वहाँ की जमीन बेच करके हमने यहाँ अपने बेनामा जमीन ले ली थी जी रावली गांव में, दसियों साल पहले। वहाँ भी पानी की आवश्यकता थी जी, वहाँ भी पानी की आवश्यकता थी। आप ये जो गांव है ये गंगा के किनारे हैं, ये गंगा के किनारे हमने सरकार द्वारा ये सारे गाँव खाली कराए गए थे, क्या आप लोगों से नहीं कहा गया था खाली कराने? नहीं, यहाँ तो कोई गांव खाली नहीं कराया गया सर जी, यहाँ तो मतलब मेरे जो कहने की बात है ये सब बेनामे मतलब जमीन है जी, यहाँ तो कोई अभी गांव खाली नहीं कराया गया। तो यहाँ हम भी दसियों साल पहले से यहाँ रहते आ रहे हैं, बाकी यहाँ कोई ऐसी आवश्यकता नहीं आई। और बाकी अब जाके बहुत बड़ी दिक्कत आ गई जी यहाँ पे, आप बड़ा मतलब आपका धन्यवाद है सर जी, आप हमारी मदद करो। और मतलब मेरे जो कहने की बात है हमें कहीं रहने के लिए जमीन या मकान दिलवाओ, आप हमारी मदद करो सर जी, बड़ा आपका धन्यवाद है। जैसे कि गांव में पानी घुसा और गांव के कुछ लोग यहां से छोड़ के भी जा रहे हैं हमने देखा, उस पर आपका क्या कहना है? जी देखो जी, कोई अगर परेशानी मुसीबत की वजह से अगर छोड़ना पड़ रहा है, हमने भी मतलब ये हमें बड़े सर जी ने भी आके क्या, बड़े अधिकारियों ने आके क्या अभी पानी के बीच में से निकलो, मखा जी हमारे सामने मजबूरी, हम कहाँ जाएंगे। तो उन्होंने क्या, ये प्रधान जी साथ में थे गाँव के, वो कहने लगे भाई ये पंचायती ज़मीन है, आप इसमें मतलब टाइम बिता करो, उसके बाद में हम प्रयास करेंगे कि आपका क्या पता ये ज़मीन आपको मिल जाए। तो ये कह के अभी हमारा सामान आधा हमारे अपने घरों पे है पानी के डब्बे में, और आधा भी थोड़ा थोड़ा हमने सामान उधर लगाया है, झुग्गी झोपड़ा करके अपने 2-4 घर उधर लगाए हैं। तो आप हमारे सरकार की ओर से खाने पीने का कुछ मदद आपको? सरकार की तरफ से जी कोई अभी हमें मतलब हमारे पास नहीं, सरकार की तरफ से वैसे सब सरकार का ही है जी, पर हमारे पास अभी सरकार से कोई खाना पाना या कोई रोटी या कोई मदद हमारे पास नहीं आई। हमारा जो मंजीत यहाँ कैंडिडेट जीता है उस आदमी ने हमें 2-4 टाइम खाना खिलवाया है। अच्छा, यहाँ पे हमने देखा है कि सिर्फ लेडीज ही दिखाई दे रही हैं, आदमी अपनी मजदूरी पे फिलहाल गए हुए हैं। मैं घर के अंदर, एक भाई है हमारा और एक परिवार हमारा है, 5 लड़के हैं हमारे और 3 बहू हैं, हमने 3 लड़कों की शादी कर रखी जी अपनी, और हमारे भाई ने भी 3-4 लड़कों की शादी कर रखी, 6-7 6 लड़के भाई पे हैं। बताया जा रहा है कि परिवार हमारे दो परिवार हैं जी।
इस पानी में जो है कुछ जानवर भी बह गए हैं, उन लोगों को जानवर को भी ढूंढने के लिए गए। भाई जी ये ढूंढने के लिए गए, जो जानवर बह गए उनको ढूंढने के लिए वो आदमी गए हुए हैं मतलब जंगल के अंदर, और उनकी प्रयास के लिए लग रहे हैं आदमी। यहाँ बच्चे हैं घर मतलब फिलहाल, और घर वालियाँ हैं, और मैं मौजूद आदमी हूँ, अपने भाई से भी बड़ा, वो मतलब छोटा भाई है हमारा, मैं अपना मौजूद आदमी हूँ। ये दो परिवार है हमारे। इस गाँव में कितने लोगों की जनसंख्या है? इसमें तो जी मतलब 3-4 हज़ार वोटों की जनसंख्या है जी।